नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है जीके राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। साधारण ब्याज की वीडियो को हम लेकर उपस्थित हो गए हैं और यहाँ पर फिर से मैथ की क्लास में देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं। टॉपिक हम लोगों का साधारण ब्याज है और ये हम लोगों का टॉपिक तीन चार दिन से चल रहा है। दिल्ली पुलिस पटवारी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं साधारण ब्याज से, और अब हम लोग बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, पहले दिन मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया था, दूसरे दिन अगर आप वीडियो देखते जाएंगे, अगर आज पहली बार आए हैं तो हमारे तीन चार दिन के वीडियो जो पिछले पड़े हुए जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार मैं बड़े बड़े प्रश्नों को दे रहा हूँ ताकि आपको किसी को भी लगे कि हल्का चीज है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, हमारे सारे टीचर सारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और सोचिए कि छुट्टी के दिन भी हम लोग उपस्थित हैं। संडे है आज, सभी लोग उपस्थित हैं, दे रहे हैं वीडियो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा उसपे हम लोग परसेंटेज पर बात करेंगे, दरों के अलग अलग परसेंट पर दिया जाए और उनका औसत कितना निकलेगा। तो औसत वाले क्वेश्चन जो आते हैं ब्याज पर, उन क्वेश्चनों को देखिए ले रहे हैं हम लोग। औसत वाले जो क्वेश्चन होते हैं ब्याज पर, उनको लिया जा रहा है। यहाँ पर जो दो लोगों को दिया जाए उनका औसत जो है इच्छित लाभ है, और उसके बाद अलग अलग दरों पर, विषम विषम दरों पर, 6% पर, 8% पर, 10% पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग दरों से जब ब्याज दिया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, इस पर आज हम लोगों की साधारण ब्याज की क्लास की चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। टॉपिक है हम लोगों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोगों ने क्वेश्चन सेटअप किया है औसत वाले प्रश्नों को, ध्यान दीजिएगा। आकाश ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% 5% की दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर से उसने कितना धन दिया था, उसने कितने धन को 4% के रेट से दिया था, ये पूछा गया। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। आकाश ने 5,000 रुपए उधार लिया, उसने उधार दिया 4% पर और 5% दरों पर दो लोगों को उधार दे दिया, राम को श्याम को आकाश ने उधार दे दिया। 2 वर्ष के बाद 4.2 पूरे 5,000 का 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हो, पूरे 5,000 पर उसको केवल 4.2% वार्षिक ब्याज मिला, तो उसने 4% की दर पर कितना ब्याज बांटा था, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है 1,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन 4,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन 2,000 रुपए, चौथा ऑप्शन 3,000 रुपए। ऑप्शन सोचिए, हम तब तक बेसिक सवाल को लगाने का तरीका समझाते हैं, बेसिक कैसे इसको लगाया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, हमसे जो पूछा है उसी को मान लें। हमसे पूछा है 4% की दर पर कितना धन दिया था, 4% की दर पर कितना धन दिया था। तो सिंपल दोस्तों, माना 4% की दर पर, 4% की दर पर यक्ष रुपए दिए थे। चूंकि हमें यही तो पता करना है तो हमने इसको मान लिया कि उसने 4% की रेट पर यक्ष रुपए दिए थे। तो 5% की दर पर, 5% की दर पर कितने रुपए दिए थे। अगर 4% पर यक्ष रुपए दिए थे तो 5% पर कितना दिया था मेरे भाई, 5,000 माइनस यक्ष। देखो बेटा, बिल्कुल सरल है, बहुत आसान है। अगर हम कहें कि मैंने 2,000 रुपए 4% पर दिया था तो 5% मैंने दो ही हिस्से तो करने हैं 5,000 के, तो 2,000 एक हिस्सा हो गया, तो दूसरा हिस्सा कितना बचेगा, 5,000 माइनस 2,000 यानी 3,000। यहाँ पे हमने यक्ष माना है, इसलिए हमने 5,000 माइनस यक्ष रुपए दिए थे। अब वर्ष के अंत पर उसे, 2 वर्ष के अंत में उसे 4.2% ब्याज मिला, यानी कि समझो अब यहां से, यानी कि यक्ष रुपए पर 4% की दर से 2 वर्षों का ब्याज निकाल लो। यक्ष रुपए पर 4% की दर से 2 वर्षों का ब्याज निकालिए। ये ब्याज है एसआई बराबर पीआरटी। हम बार बार कहते हैं बेटा, हमारा यहां से सारा चीज बना है, एसआई बराबर पीआरटी अपान 100, यही हमारा मूल सूत्र है और बेसिक सवाल हम इसी मूल सूत्रों पर लगाते जाते हैं। तो एसआई बराबर पीआरटी अपान 100। अच्छा, दूसरा जो ब्याज का दर था वो था 5,000 माइनस यक्ष रुपए, 5,000 माइनस यक्ष रुपए, और यहां भी आर जो था वो था 5%,
समय तो हमारे पास दो ही वर्ष था और बटे में 100, और जब हमने पूरे 5000 पर ब्याज निकाला तो ये बराबर हुआ 5000 पर 4.2। थोड़ा जगह कम पड़ गया है, एक बार फिर से हम इसको इधर करके लिख देते हैं बेटा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बेसिक बेसिक सवाल हमेशा लंबे होते हैं। आर एस अग्रवाल वगैरह की किताब ले ली मैं तो उसमें इसी तरह से बेसिक इसका सलूशन दिया रहता है, तो इसलिए बेसिक में थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट होता है, इसलिए उसको सीखना जरूरी होता है। सबसे पहला, अगर हम 4% का ब्याज निकालें, 4% का ब्याज निकालें प्लस 5% पर ब्याज निकालें, 5% पर ब्याज निकालें, तो यह कुल धन के ब्याज के बराबर होगा, कुल धन के ब्याज के बराबर होगा। अब यहाँ पर 4% की दर पर ब्याज निकालो बेटा, तो 4% पर कितना रुपया आपने दिया था? 100 रुपया दिया था। किस रेट से दिया था? 4% की रेट से दिया था। कितने समय के लिए दिया था? 2 वर्ष के लिए दिया था। और पूरे बटे क्या कर देना है? 100, वही जो बताया एसआई बराबर PRT/100। फिर उसके बाद आपने 5000 माइनस 100 रुपए, 5000 माइनस 100 रुपए कितने परसेंट पे दिया? 5% पर दिया। कितने वर्ष के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए दिया। और बटे वही कर देना है 100, फिर से मेरे दोस्तों PRT/100, और बराबर हो जाएगा कुल 5000 पर उसे कितने रेट पर मिलता है? 4.2 रेट पर मिलता है। देखो यहां लिखा है कि 2 वर्षों बाद 4.2 रेट पर, कितने वर्षों बाद? 2 वर्षों बाद ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इक्वेशन है दोस्त, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपको यस की जो वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये अभी इतना बनाने पे बड़ा पड़ रहा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तब कितना बड़ा पड़ेगा। चलो हम लोग सॉल्व कर भी लेते हैं, भाई मेहनती आदमी है, बिल्कुल मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे। चले भाई, यहाँ पे हो गया 8x/100, यहाँ पे हो गया 10 का 5000 में गुणा, ये देखो 5 × 10, और 10 का जब 5000 में गुणा हो गया तो 50000 हो गया, माइनस वही 10 का x में भी गुणा होगा तो 10x, और पूरे बटे 100। यहां पे बच्चा देखो, ध्यान देना, ये 4.2 है, 4.2 यानी कि 2 में गुणा करोगे तो 8.4 की गुणा भाग आप अपना कर लेना 8.4, और यहां पर 8.4 का जब 5 में गुणा हो जाएगा तो यहां पे 3 जीरो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके, 3 जीरो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब अगर हम यहां पर देखो 8.4 देखो, ये दोनों का गुणा होगा, का गुणा हमें 5 में करना है, 5 में करना है, 3 जीरो तो हमने पहले ही लिख दिया, तो 8×5=40 हाथ से लगा, 5×20=0 हाथ से लगा, 2×8=40, 40×2=42, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ टोटल हिसाब करेंगे तो बेटा ये सीधा आ जाएगा 42000 रुपए, यहाँ पर 100 था, यहां हो जाएगा सीधा 42000, और पूरे बटे 100। गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। 100 इसके भी हर में था, 100 इसके हर में भी था, 100 इसके हर में भी था, कट के बाहर हो गया। यहां बचा 8x और यहां बचा -10x और यहां बचा 42000 और यहां बचा -50000। बेटा देखो बिल्कुल सिंपल चीज है, 50000 उधर गया तो माइनस में हो गया, ये 8x अपनी जगह पर, ये -10x अपनी जगह पर, 8x में से 10x गया तो -2x बचा, और 42000 में से 50000 गया तो -8000 बचा। बेटा बिल्कुल सिंपल, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट गया, तो x का मान आ गया 4000, और यही मैंने बोला था कि बेटा x निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारा सही है बी 4000। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब औसत मिश्रण का एक तरीका होता है, मिश्रण देखो आगे चल के हम एक्सरसाइज है वो पढ़ाएंगे, मैं बार बार कहता हूं, आज भी समझा रहा हूं आपको, मिश्रण कोई अध्याय नहीं है दोस्तों, मिश्रण एक तकनीक है जो औसत के प्रश्नों पर बहुत सटीक लग जाती है, अनुपात के प्रश्नों पर बहुत सटीक लग जाती है, तो मिश्रण कोई अध्याय नहीं है, मिश्रण एक तकनीक है, और तकनीक क्या चीज है उसको समझते हैं पहले, कि आंसर हमारा 4000 आ गया। एक बार मैं बेसिक फिर से रिपीट कर देता हूं,
एक बात इसी रिपीट कर देता हूँ, मेरे भाई जो दूर से आए हैं जल्दी नहीं आ पाए हैं, टाइम नहीं मिला उनको, बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे हमने बात किया कि औसत ब्याज दर पे जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन लिया, दिखाया कि आकाश ने 5,000 रुपए लिया, 4% से एक लोगों को उधार दे दिया, 5% पे दूसरे लोगों को उधार दे दिया, 2 साल बाद उसने देखा कि कुल उसके 5,000 रुपए पर 4.2% वार्षिक औसत ब्याज मिला हुआ है, तो 4% पर उसने कितना धन दिया था एक लोगों को वह बताना है। तो हमने कहा बेटा जो हमें बताना है वही हम मान लेते हैं। तो माना कि 4% की दर पर उसने 100 रुपए दिया था, तो 5% की दर पर चूंकि उसने कुल 5,000 रुपए बांटे थे, तो जब यहाँ 100 रुपए दे दिया तो यहाँ हो गया 5,000 - 100 रुपए। अब हम अगर यह कह दें कि 4% का ब्याज अलग निकाल लें, 5% पर ब्याज अलग निकाल लें, तो पूरे धन यानी 5,000 पर मिलने वाला ब्याज मिल जाएगा। 4% पर ब्याज निकाल, ब्याज SI बराबर होता है PRT/100, PX माने थे, R रेट जो दिया था 4%, टाइम 2 वर्ष / 100, यहाँ पर भी हम 2 से 2 पूरा काटते चले जाते तभी हमारा आंसर आ जाता 5,000 - X गुणे दर था 5, 2/100। इसी तरह पूरे ब्याज पूरा धन था 5,000 और उस पूरे धन पे जो रेट मिल रहा था वो 4.2 था 2 वर्ष के लिए बटे 100। अब यहाँ पर 4 × 8 X हो गया बटे 100, यहाँ पर 5 × 10 = 5,000 हुआ 50,000, 5 × 10 = -10X, और यहाँ पर 2 × 4.2 में हुआ 8.4, 8.4 × 5 में हुआ तो 42 आ गया, और 0 3 बढ़ गया तो 42,000 बन गया। तीनों के हर में देखो तो 100 है बेटा, 100 से 100 पूरा कट गया, सीधा बच गया यहाँ 8X, यहाँ 5,000 - 50,000 प्लस में था, 95 रुपये उधर चला गया तो -50,000 - 10X, और ये 42,000 अपनी जगह पर। 8X में से 10X गया तो -2X, 42,000 में से 50,000 गया तो -8,000, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8,000 कट गया, X का मान आ गया कितना 4,000 बच्चा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको समझा दिया, बेसिक है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ बेसिक है। अब हमको इस पर ट्रिक लगाना है, तो ट्रिक के लिए ध्यान रखना मेरा मिश्रण है, मिश्रण का तकनीक क्या रखिएगा, मिश्रण का तकनीक क्या है कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, पहली प्रकार की वस्तु और दूसरी प्रकार की वस्तु, कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, दो प्रकार की, एक की कोई मात्रा ए है और दूसरे की कोई मात्रा बी है, एक की कोई मात्रा ए है और एक की कोई मात्रा बी है, ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास दो तरह की गेहूं है, एक 10 रुपए किलो वाला और एक 15 रुपए किलो वाला, एक सस्ता होगा एक महंगा होगा। जब ये दोनों गेहूं मिलाओगे, दो तरह के अलग अलग गेहूं मिलाओगे, तो इनसे एक अलग ही मात्रा बनेगी यक्स किलो वाली, यहां पे एक अलग ही मात्रा बनेगी यक्स किलो वाली गेहूं। तो मिश्रण में क्या करना होता है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस करके यहां लिख दो, ए अंतर यक्स यहां लिख दो, और इन दोनों का डिफरेंस करके यक्स अंतर बी यहां लिख दो, और ये जो अनुपात में वैल्यू आएगी ये पहली वस्तु का अनुपात दूसरे वस्तु के साथ होगा, ये पहली वस्तु का अनुपात दूसरे वस्तु के साथ होगा, यही मिश्रण का तकनीक है। फिर से समझ लीजिए, जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास एक 10 रुपए किलो का गेहूं है, एक 10 रुपए किलो का पहला जो गेहूं के भार है वो 10 रुपए प्रति किलो का गेहूं है, दूसरा जो गेहूं है वो हमारा 20 रुपए प्रति किलो का गेहूं है। इन दोनों गेहूं के अलग अलग मात्राओं को मिलाया जाए, जैसे 5 किलो ये, 10 किलो ये, कुछ इस तरह से मिलाया जाए, तो हमारे पास जो नया गेहूं बनेगा वो हो जाएगा मान लो 14 रुपए किलो का। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाकर यहां लिख देना, जैसे 20 में 14 गया तो कितना बचा 6 यहां लिखना है, और इसी तरह से इसमें से इसको घटाकर यहां लिख दीजिए, जो अंतर आए तो अंतर आ रहा है 4 का, 14 और 10 का अंतर 4 और 20 और 14 का अंतर 6। अब ये 4 यानी 3/2, भाई अनुपात में कोई राशि अगर कट रही है तो काट दीजिए, तो ये 3/2 यानी पहले प्रकार का गेहूं 3 किलो और दूसरे प्रकार का गेहूं 2 किलो मिलाया था तब यह मात्रा मिली थी, यह बातें होंगी हम लोगों की। या ऐसा भी हो सकता है पहले प्रकार का 6 किलो दूसरे प्रकार का 4 किलो, यानी 3 और 2 के गुणांकों के अनुपात में ही गेहूं को हमने मिलाया था, यह मिश्रण का तकनीक है। अब अगर इस तकनीक को किस सवाल पे अप्लाई किया जाए, कौन से जो हमारा क्वेश्चन पूछा था बेटा, हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं, जो बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए थे उसको हटा देते हैं, क्योंकि अब बेसिक
मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट हमने दे दिया कि कैसे इसको लगाते हैं बड़े किताबों में या मोटे किताबों में, या किस तरह से दिया होगा, कैसे इसको सॉल्यूट किएंगे। अब हम इसको ट्रिक से या तेजी के साथ हम परीक्षा में पहुंच गए। अभी तक तो हम किताब पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम कहां पहुंच गए? अब हम पहुंच गए परीक्षा में दोस्तों। तो जब परीक्षा में पहुंचे तो अगर हम इतना देर सवाल को लगाएंगे मित्र, तो आपके पास तो समय ही नहीं बचेगा। आप तो कहेंगे सर जी हमारा तो हो ही नहीं पाएगा इतने टाइम में। और भाई देखो, लगभग आपके पास 30 सेकंड में क्वेश्चन आना चाहिए, 30 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। गणित के लगभग औसतन हर सवाल का उत्तर 30 सेकंड में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपकी किसी तकनीक में समस्या है, उसको विकसित करिए। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, उसको अगर आप सुधार लेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे 30 सेकंड में सारे प्रश्न। और इसको हम हल करके सिखाते भी हैं, प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। अभी आपका अभ्यास कराएंगे, देखेंगे आप लोग खुद 30 सेकंड में पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद 30 सेकंड में एक क्वेश्चन लगाओगे बहुत आराम से। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, ये सर्दिया बात मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर लोगे, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने भी कमजोर हो गणित में, मैं आपको इसको करवा के दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का। चलिए, हमारे पास कहा कि 5000 रुपया है, क्वेश्चन में कहा देखो बेटा हमारे पास 5000 रुपया है, पूरा रुपया हमारे पास 5000 है। हमें दो भागों में देना है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग है 4% पर और एक भाग है 5% पर। पहले आदमी को हमें 4% पर देना है, दूसरे आदमी को हमें 5% पर देना है, और दो वर्षों के बाद हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 4.2% पर, जो पूरा हमारा देखिए दोनों का मिक्सर इनके बीच ही का आएगा। अब कह रहा है कि उस 5000 को किस अनुपात में बांटा जाए। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, दो लोगों को दिया था, एक को 4% पर एक को 5% पर, ब्याज मिला 4.2%। मैंने बताया कि इसमें से इसको घटाकर यहां लिख दो, पहला अनुपात दूसरा, जो यहां पे लिखी हो पहला लिखो तो ये पहला होगा, ये दूसरा लिखो तो दूसरा होगा, और घटाकर यहां लिखो तो 5 में से 0.4 निकालोगे तो यहां बचेगा 0.8 अनुपात। 4.2 में से 4 निकाल दो बेटा तो यहां बचेगा 0.2। 0.2 दोनों में था, कैंसिल हो गया तो ये बच गया 8:2। 8:2 दोनों देखो 2 से कट रहे हैं बेटा, तो सिंपल 4:1। 4:1 कुल धन कितना था हमारे पास? कुल धन हमारे पास था 5000 रुपए। कुल धन कितना था बेटा? 5000 रुपए। और 5000 रुपए को दो भाग में बांटना है, पहला भाग 4 यूनिट का होना चाहिए और दूसरा भाग 1 यूनिट का होना चाहिए। 4 1 5 यूनिट पूरे बांटने हैं 5000 को, तो 1 यूनिट का मान 1000 होगा, तो 4 यूनिट का मान 4000 होगा। या पहले बंदे को, पहले व्यक्ति को मिली धनराशि, पहले व्यक्ति को मिली धनराशि कितने यूनिट मिल रही है? 4 यूनिट बटे यूनिटों का योग 4 और 1। यहाँ पे 4 धन 1 लिखे हैं, ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे जो लिखा गया है आपका, यहाँ पे आप 4 धन 1 लिखेंगे, ये जो कुल मात्रा है 4 और 1, कुल मात्रा 5, और गुणे कर दीजिए 5000, गुणे कुल राशि 5000। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 4/5 गुणे 5000, और यहां से 5 से 5000 काटेंगे तो 1000 में 4 का गुणा होगा, यानी पहले बंदे को जिसने 4% पे ब्याज लिया था उसे कितना रुपया दिया गया था? उसे 4000 रुपया दिया गया था। अगर हमसे कोई पूछे कि सर दूसरे व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया था, तो देखो बेटा दूसरे व्यक्ति को कितना रुपया दिया था? दूसरे व्यक्ति को हमने 1 यूनिट दिया था, कितने यूनिट में? 4 धन 1 यूनिट में, गुणे क्या करना है? 5000 रुपए को, सिंपल बेटा 1/5 गुणे 5000, और 5000 से 5 कैंसिल होगा, तो दूसरे बंदे को हमने कितना दिया था? 5% पे जो दिया था वो 1000 रुपए था, 4% पे जो दिया था वो 4000 रुपए था। दोनों का आप अलग अलग ब्याज निकालोगे तो ब्याज की रेट आपकी 4.2% ही आएगी। मतलब यह सवाल ट्रिकी भी हो गया, सरल भी हो गया। अभी अनुपात समानुपात आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, मिश्रण पढ़ाएंगे, उससे आप देखोगे कि ये सवाल कितने कंफर्ट हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से एक्सरसाइज जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। एक एक्सरसाइज पढ़ लिए तो दूसरा क्लियर हो जाएगा, दूसरा पढ़ लिए तो पहला क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज में हम औसत मिश्रण भी पढ़ रहे हैं, और औसत मिश्रण में हम लोग साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे।
वहां पर भी ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कभी क्या होता है किसी किताब में ये औसत में दे देता है सवाल, कभी कभी किसी किताब में ये मिश्रण पे दे देता है, कभी कभी किसी किताब में ये साधारण व्यंजन दे दिया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, किसी में भी दिया हो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा लिखेगा नहीं क्योंकि औसत का ही सवाल पूछूंगा। औसत लिख दिया मतलब मिश्रण भी आ जाएगा उसमें, साधारण व्यास भी पूछ सकता है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं हम लोग, और इसको सीधा हम लोग ट्रिक पर रखते हैं यानी मिश्रण लगाकर रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर और जो बचा भाग था शेष भाग 10% वार्षिक दर पर दिया। कुल दर उसको 12% औसत वार्षिक दर से प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर उसने यानी पहला दूसरा भाग जो दिया था वह कितना रुपया था? ऑप्शन आपके सामने बेटा 9,000, 10,000, 5,000 और 6,000। सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, जो लगता है वो बताओ। 9,000 था, 10,000 था, 5,000 था या 6,000 था? हम इसको डायरेक्ट अब ट्रिक से करने वाले हैं, डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि बेसिक आप घर पे लगा सकते हो, बेसिक की समझ आपको बनानी पड़ेगी, लगातार मेहनत करना पड़ेगा बेटा, गणित तब बेसिक के लिए सीखना पड़ेगा, गणित सीखना ट्रिक के लिए नहीं सीखना है। मैं क्यों कहता हूँ सर्दियां मैं आपका हर सवाल पूछा दूंगा, आप हर सवाल सर्च करके आओ, क्यों? क्योंकि मैं ट्रिक भी देता हूँ। हाँ, कंसेप्चुअल सवाल वही लड़का करता है जो कि मैथ का जानकार है, मैथ कहीं पढ़ा है, इंटर में, हाई स्कूल में, बीएससी में उसने मैथ लिया है, तब उसका मैथ तो कंसेप्चुअल सवाल पे अच्छा बनेगा। कंसेप्चुअल सवाल पे पढ़ाते हैं तो जिसका मैथ अच्छा नहीं होता उसको लगता है यार क्या इतना बड़ा बता रहे, लेकिन वास्तव में अगर उतना बड़ा सवाल समझने लगे तो ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी दोस्तों। जैसे देखिए हमारे 15,000 कुछ भाग यानी पहला भाग हमने 15% पे दिया। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल, बहुत सरल कर दूंगा, पहला भाग 15% पे दिया और दूसरा भाग जो हमने वो 10% पे दिया। हमको जो ब्याज मिला वो न तो 15 मिला न तो 10 मिला, हमको जो ब्याज मिला बेटा वो 12 मिला। हमको जो ब्याज मिला वो 15% भी नहीं मिला, हमको जो ब्याज मिला वो 10% भी नहीं मिला, अपितु वह कितना मिल गया? 12% मिल गया दोस्तों। सिंपल, अब पहले भाग का अनुपात दूसरे भाग के साथ आ गया मेरे भाई, यहाँ 10,000 में 12 में से 10 घटा दो तो ये बचेगा 2। इन दोनों का डिफरेंस करके इधर लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस करके इधर लिखना है तो 15 और 12 का डिफरेंस होगा 3, यानी कि जो बंटवारा होगा, जो विभाजन होगा वो यही बंटवारा होगा कि 2 खेत मिलेंगे पहले वाले को और 3 खेत मिलेंगे दूसरे वाले को। और कुल भाग था, कुल धनराशि थी हमारी, कुल धनराशि बेटा अगर ध्यान दो शुरुआत में लिखा था कि कुल धनराशि हमारे पास 15,000, तो 15,000 के बंटवारे क्या होंगे, एक भाग में 2 यूनिट, एक भाग में 3 यूनिट, 2 और 3 मिलाकर 5 यूनिट बेटा, और 5 यूनिट का मान 15,000 तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3,000, यानी पहले बंदे को 3 गुना 6,000 और दूसरे बंदे को 3 × 9,000 डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको इसको अनुपात पे निकालना है तो पहले बंदे का मान होगा पहले बंदे का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणे कुल राशि कर देना बेटा। पहले बंदे का अनुपातिक मान कितना है 2, पहले बंदे का अनुपातिक मान कितना है 2 और अनुपातों का योग 2, 3, 5 और कुल राशि कितनी है 15,000, 5 से 15,000 कटा 2 × 3,000 और बेटा जब 2 में 3,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल आंसर आएगा 6,000। मतलब जो 15% पैसा लिया था वह कितना पैसा लेके गया था, वह लेके गया था 6,000। दूसरे बंदे का पैसा निकालना है तो दूसरे बंदे का अनुपातिक मान बेटा ध्यान से देखो कितना है हमारे पास 3, अनुपातों का योग हो जाएगा 3, 2, 5, अनुपातों का योग 3 और 2 जोड़ देना है 3, 2, 5 और गुणे 15,000 कर देना बेटा। सिंपल वही तो कटेगा, 5 × 3, 15 और 3 × 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 × 3,000 और 3 × 3 = 9,000 यानी दूसरा बंदा जो लेके गया था वो 9,000 यानी कि 15% पे लेके गया था जो बंदा वो 6,000 रुपए लेके गया था और 10% पे जो लेके गया था 10% दूसरा वाला लास्ट में आया है, दूसरे वाले का अनुपात लास्ट में दिया, दूसरा वाला जो लेके गया था वो कितना लेके गया था 9,000 रुपए लेके गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, हमसे पूछा है
कि 10% की दर पे जो बंदा लेके गया था, यानी ये दूसरा वाला बंदा कितना रुपए लेके गया था, तो दूसरा वाला बंदा कितना रुपए लेके गया था बेटा, 9,000 रुपए। यानी सबसे सही आंसर होगा हमारा ए, कि दूसरा बंदा हमारा 9,000 रुपए लेके गया था। बिल्कुल सरल सवाल एक स्टेप में हल हो जा रहा है। मिश्रण मैं भी पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कभी साधारण गैस में मिश्रण आ गया तो इस तरह हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर, अगला प्रश्न देखते हैं इसका, इसी पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 10,000 रुपए ऋण लेता है कोई बंदा, 10,000 का ऋण लेता है। पहले बैंक से उसने 8% पर लिया तथा दूसरे बैंक से उसने 10% पर लिया। पहले बैंक से उसने कितने परसेंट पर लिया? पहले बैंक से उसने लिया 8% पर। पहले बैंक से उसने ले लिया 8% पर। दूसरे बैंक से कितने पर लिया? दूसरे बैंक से उसने लिया 10% पर। अब की बार कलाबाजी खा गया। देखिए क्वेश्चन, अंत में वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक। अब की बार सवाल में परसेंट नहीं दिया है कि कितने परसेंट औसत आया, इन दोनों के बीच में जो औसत परसेंट लिखते थे वो नहीं दिया, बल्कि क्या 950 रुपए, तो यहाँ 950 मत लिख देना बेटा, नहीं इन दोनों का ना डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, फंस जाओगे, माइनस में आंसर नहीं आएगा। बल्कि आपको यहाँ पर दर निकालना पड़ेगा, और दर कैसे निकालोगे? 950 रुपए देता है, 950 रुपए देता है कितने का? 10,000 रुपए का। परसेंट कितना होगा? गुणे में लगा दो बेटा 100, 0000 कैंसिल, 00 कैंसिल, 95/10 आया, और 95/10 का मतलब 9.5। यानी कि 8% पर एक धन लिया, 10% पर एक धन लिया, और उसने पूरा परसेंट दिया 9.5। उसने पूरा परसेंट लिया 9.5 की, अब यहाँ पे रुपया दिया है तो आपको दर निकालना पड़ेगा। दर बराबर पूरा दिया गया ब्याज बटे पूरा कुल धनराशि गुणे 100 कर दो, दर का परसेंट निकल आ जाएगा एक साल के लिए। अब चूंकि वार्षिक सवाल था तो एक साल का हमारा दर निकल आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? पहला अनुपात दूसरा भाग बराबर यहाँ पे इसको घटा कर ऐसे लिख देना है, तो 10 में 0.95 घटेगा तो 0.5 बचेगा, और 9.5 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 1.5। अनुपात दोनों तरफ, अनुपात के दोनों पद देखो, 5 से कट सकते हैं, 0.1 अंक पे है तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15 तो यहाँ 1 बार आएगा और यहाँ 3 बार आएगा। यानी पहला भाग 1 होगा और दूसरा भाग 3 होगा, 3 × 1 = 4 यूनिट में हमारा बंटवारा होगा। तो हमसे पहला कि पहले बैंक से कितना ऋण लिया था, पहले बैंक यानी 8% पर उसने कितना ऋण लिया था, तो पहले बैंक से उसने लिया था ऋण, पहले भाग का अनुपात बटे पहले भाग का अनुपात देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, दूसरे भाग का अनुपात कितना है, दूसरे भाग का अनुपात 3 है, तो पहले भाग पर लिया गया ऋण बटे अनुपातों का योग 3×4 गुणे कुल धनराशि कितनी थी 10,000 रुपए। बेटा आप सिंपल सा 10,000 को इसको काट दो तो ये उसने पहले बैंक से लिया था 2,500 रुपए, और जब पहले बैंक से उसने 2,500 रुपया लिया था तो दूसरे बैंक से उसने 7,500 लिया था। इसमें क्योंकि पहले बैंक का ही केवल आंसर पूछा है तो पहले बैंक का आंसर आ जाएगा 2,500 रुपए। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चीजें अच्छी लग रही होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो। दोस्तों ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, फ्री में आप पढ़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं, दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, लगातार लगे रहते हैं, तो उम्मीद आपसे भी रहती है हमें इतना कि हमारा सहयोग आप करते रहेंगे, लगातार वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। उस पे अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कमेंट भी करिए दोस्तों। कमेंट में हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम आपको डिस्क्राइब देते हैं। कल के वीडियो में ही देख लीजिए, हमने चीजें आपको फिर से, वो सवाल पहला वाला जो सवाल था बड़ा था उसको फिर से समझाया था। तो जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलती कर दिया, क्या रह गया कि हमें और बच्चों को दे देना चाहिए था। मेरे पास देखो बेटा, हम लोग टीचर होते हैं, हमारे पास 10 तरीके होते हैं, आपको केवल एक तरीका सीखना है, वह तरीका जो आपका हथियार बन जाए परीक्षा में और उससे आपको सफलता। हमारे पास बहुत चीजें हैं, बहुत बेटर। दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार वाले उसके पास जितनी साड़ियां होंगी, जितने कपड़े होंगे, वो सब आपके सामने फैला देगा। इच्छा आपकी, आपको ले कौन सा जाना है, चुनाव आपका है, पढ़ना कौन सा तरीका है वो आपको अप्लाई करिए। मैं सवाल आपको 2-3 तरीके से बताता रहूंगा ताकि आपको कोई तरीका समझ में आ जाए, उस तरीके को अप्लाई करो और अपने क्वेश्चन का आंसर ले जाओ। तरीका कोई भी लगाओ, आंसर सबसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जब कोई बंदा, अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा देखो,
जब कोई बंदा 20,000 रुपए अपने दोस्तों को उधार देता है, पहले दोस्त को उसने 12,000 उधार दे दिया। देखो इसमें थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, इसको समझना, इसमें थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं है, उसमें पलट दिया है। पहले दोस्त को उसने 12,000 रुपए 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। आकाश अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसने शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए। पहले दोस्त को उसने बिना सोचे मते 12,000 रुपए दे दिया कि जाओ भाई मजा करो, 12,000 रुपए लेके जाओ 8% की ब्याज पर देना। लेकिन जब दूसरे दोस्त को देना होगा, चूंकि उसके पास कुल 20,000 था, 12,000 दे दिया तो दूसरे दोस्त को कितना देगा ये तो आपको पता है, 20,000 में 12,000 दे दिया तो उसके पास कितना बचा 8,000, तो दूसरे दोस्त को उसने 8,000 दिया, लेकिन उसको दिमाग लगाना पड़ा कि गुरु हमको 10% का लाभ होना चाहिए, पूरे बिजनेस में 10% का लाभ होना चाहिए, तो दूसरे वाले दोस्त को उसने कितने पर दिया, यह हमारा प्रश्न है। और दर के लिए आंसर दिया है 8%, दर के लिए आंसर दिया है 8%, 16%, 12% और 13%। देखो दो दोस्त हैं उसके, कितने दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त, दोस्त दोस्त न रहा। पहले दोस्त को उसने दिया कि भाई ले जाओ 8% पर, मेरे भाई मेरे दोस्त ले जाओ 8% पर, कितना ले जाओ 12,000 रुपए ले जाओ, ऐश करो 8% दे देना। दूसरे वाले दोस्त को उसने रख लिया कितना, 8,000 रुपए। सिंपल है ये, आपको माइनस करना मैं नहीं सिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा कि अगर 20,000 रुपए था, एक दोस्त को 12,000 दिया तो दूसरे दोस्त को देने के लिए उसके पास कितना बचना चाहिए, 20,000 में 12,000 दे दिया तो 8,000 रुपए। किस दर पर दिया, यही दर तो अपने को फाइंड आउट करना है दोस्त, यही दर तो हमको निकालना है। लेकिन उसने एक प्लानिंग बना दी कि इस पूरे बिजनेस में, इस पूरे मिक्सचर में उसको 10% का लाभ चाहिए, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे 10% चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे 10% चाहिए। बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से इसको घटाओ और यहां लिख दो यक्स माइनस 10, और यहां से इसको घटाओ यहां लिख दो 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 गया 2 बचा। अब देखो पहले भाई को यक्स बटा 10, दूसरे भाई को 2 यूनिट, सिंपल ये अनुपातों में डिवर्जन कर दीजिए, यक्स बटा यक्स माइनस 10 बटा 2 लिख दीजिए, बेटा बिल्कुल सिंपल, यक्स माइनस 10 बट अनुपात का मतलब जो होता है भिन्न, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो यक्स माइनस 10 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। पहले वाले को कितना राशि दिया था, 12,000 रुपए, दूसरे वाले को कितना दिया था, 8,000 रुपए। अब यहाँ पे सिंपल इसका कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, 0,0,0 कट गया, ये आपका हो गया 3/5, कैंसिल कर लो, चाहे x माइनस 10 बराबर 12×24/8, 8 से कैंसिल कर दो तो x माइनस 10 बराबर 3 मेरे भैया, और x बराबर 3+10, यानी दूसरे वाले दोस्त को उसने मोर बनाया था कि मैं दूसरे वाले दोस्त को 13% की दर पर ब्याज दूंगा, ताकि ब्याज देने के बाद मुझे पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। बहुत सरल कर दे रहा हूँ यार, अब इससे सरल क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, फिर से समझ लो सवाल, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने बताया कि ट्रिक हमारा कॉन्सेप्ट अगर बदल भी जाता है, थोड़ा आगे पीछे भी देता है, तो हमारा ट्रिक यूज होगा, काम में आएगा, ऐसा नहीं कि सवाल थोड़ा सा मतलब बदल दिया तो ट्रिक का मतलब बदल गया। बहुत सिंपल, आकाश 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है, पहले वाले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है, और वो चाहता है आकाश के पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो जाए, तो दूसरे वाले दोस्त को उसको कितने परसेंट की दर पर ब्याज पर देना पड़ेगा, ये हमारा प्रश्न था। तो हमने कहा बेटा कि पहले वाले को उसने 12,000 दिया तो दूसरे वाले को तो वो 8,000 देगा, 12,000 पहले वाले को दिया तो 20 माइनस 12, दूसरे वाले को 8,000, पहले वाले को उसने 8% की दर पे दिया, दूसरे वाले का हमें पता नहीं था कितने दर पे दिया, लेकिन पूरे बिजनेस में पता था कि उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। अभी भी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए बेटा, उसमें यही बताया कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो पक्का इससे ये बड़ा होगा, इसीलिए x में से 10 घटाए हैं, क्योंकि इन दोनों का मीन यानी इन दोनों के बीच में ही ये कहीं वैल्यू 10 आएगी, तो इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिख दिए बेटा, इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिख दिए बेटा, और पूरा ये 12,000 था, पूरा ये 8,000 था, तो इन दोनों का बटा वाला भाग इन दोनों के बटे वाले भाग के बराबर होगा, यानी x माइनस 10 बटा 2 बराबर 12,000 बटे
8000 काट दीजिए 4000 से 3 बार ऊपर 2 बार नीचे, 2 का गुणा हुआ तो 3 दुना 6, 2 नीचे तो यहाँ 3 आ गया। x 10 माइनस 75 हुआ बेटा, 10 75 हुआ यहाँ पे, तो 10 माइनस से क्या हो गया 10 प्लस हो गया, 3 और 10 जोड़ दिए तो 10 3 हो गया 13। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें, ये सारे मैटर समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इस पर आपको अपने से कमांड करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़े बड़े प्रश्न ले रहे हैं आप। हम बार बार कहते हैं कि छोटे प्रश्नों के साथ साथ बड़े से बड़े, मतलब 0% से लेकर 100% जाने का दावा रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8000 इस शर्त पर उधार लिया कि 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उसने उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना होगा, उसका ब्याज बता दीजिए कि अलग अलग दरों पर उसने जो ब्याज लिया था। फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति 8000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि भैया मैं 5 वर्ष के लिए 6% दूंगा, 3 वर्ष के लिए 8% दूंगा, अगले 4 वर्ष के लिए 12% दूंगा, तो ये टोटल कितना हो गया 5 3 8 4, 12 वर्ष हो गए। टोटल कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए। तो अंत में उसने कितना ब्याज लौटाया, ऑप्शन है 5240, 7520, 8460, 7040। तो इसे लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ आनंद करेगा अपने लग का क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 शर्त पर लिया कि वह पहले 5 वर्ष के लिए 6% देगा। देखो बेटा सिंपल समझो, 8000 का धन था, 8000 हमारे पास धन था, 8000 रुपए धन था, उसने कहा कि मैं 5 वर्ष के लिए 6% दूंगा, 5 वर्ष के लिए 6% दूंगा, मतलब मैं इतना ब्याज दूंगा। सिंपल है, आसान है। दूसरी बार उसने कहा कि फिर अगले 8000 पर ही जो मूलधन है उस पर अगले 3 साल के लिए 8% ब्याज लगाऊंगा, यानी 3×8/100। और उसके बाद उसने कहा कि साहब मैं अगले 4 सालों के लिए 8000 पर 4 सालों के लिए 10% के हिसाब से ब्याज दूंगा, 100/100, यही तो उसका पूरा ब्याज आ जाएगा मेरे भाई। सिंपल, यही तो पूरा ब्याज आ जाएगा। इसको और सरल तरीके से तेजी से हल करना है तो मेरे भैया ऐसा किया करो कि जब अलग अलग दर पे अलग अलग समय दिया रहे तो सीधा लिखा करो कि SI बराबर P R1 P1 plus R2 P2 plus R3 P3 और पूरे बटे 100। मेरे भाई ये बहुत सरल सवाल बन जाएगा। SI बराबर सीधा लिखा करो P R1 T1 plus R2 T2 plus R3 T3 और पूरे बटे 100। यही तो हुआ है, 8000 कामन था तो 8000 कामन ले लिए और बाकी नीचे 100 कामन था, नीचे 100 कामन ले लिए। यहाँ बचा R1 T1 R2 T2 R3 T3। अगर इस पर सवाल लगाएं, इस क्वेश्चन को हल करें तो सीधा ये हो जाएगा कि उसका जो देना चाहिए, उसको SI जो देना चाहिए वो 8000 पहले वाले पर 8000 पहले वाले पर ध्यान दीजिएगा 5% 5 वर्ष में 6% प्लस अगले 3 वर्ष में 8% प्लस अगले 4 वर्ष में 10% और पूरे बटे लिख दिया करिए 100। मेरे भाई 0 से 2 0 कट गया, यहां बचा 80 और यहां कोष्टक में आ गया 6×5=30 प्लस 8×3=24 प्लस 40। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 80×94। इसको ऐड कर लीजिए मेरे भाई, 30×24=54 जोड़े तो 94 जीरो लगा दिए और 8×4=32 हासिल लगा 3 8×72 72 और 3 75 यानी 7520 रुपए। 7520 रुपए उसको वापसी में SI देना पड़ेगा जो कि हमारा बी है विकल्प। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज हम होमवर्क के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। होमवर्क हमारा है
ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसका होमवर्क करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या है, आकाश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, अंतर अगले 5 वर्षों में 9% वार्षिक दर ब्याज पर, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखी गई, तद अनुसार उसने 11 वर्ष के बाद 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया, तो राशि कितनी थी। एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन का ले लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हो सकता है आपको टाइम टेकन हो, लेकिन ऊपर वाले सूत्र को लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑप्शन है 8,000, 10,000, 12,000, 6,000, स्क्रीन पर इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं नीचे कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले दिन, आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।